सो हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। मैं भी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा घूमने, ब्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड करने के लिए डाल दिया, बट उसको यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद एक बार रिव्यू करना, इतना मेरे को माइंड में रखना है। अदरवाइज मेरे मानदे होंगे, जैसे लास्ट टू ब्लॉग में हुआ था, एक ब्लॉग में डिलीट मार के रीअपलोड करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियो वाला सिनेरियो। मैं नीचे आया बट गाड़ी की चाबी नहीं लेके आया, मैं भी कितना होशियार हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे बाय द वे सबको। एंड ट्राइपॉड मैंने कहाँ पे कहा, मेरे को लगा गाड़ी में रखा, इसलिए मैं नीचे आया गाड़ी में देखने के लिए, बट गाड़ी में भी ट्राइपॉड नहीं है। ट्राइपॉड भी मेरे को ढूंढना है, क्योंकि आजकल ऐसे हाथ में लेके रिकॉर्ड करो उसमें चेहरा इतना नज़दीक रहता है कि ऑकवर्ड ही लगता है मेरे को, इस वजह से। तो मैंने ये गाड़ी का आईना निकाल दिया, अभी ये मेरे हाथ में है जस्ट बिकॉज ये बहुत ही ऐसे हो रहा था, चेक करने के लिए क्या सीनरियो है। मेरे को खुद पता नहीं इसके अंदर क्या और रह सकता है, बट ये जो है वो जा चुका है पूरा, ठीक है, मे बी। इसको अभी थोड़ा बहुत क्लीन करके मैं वापस बिठा दूंगा। पता नहीं था मेरे को कि इसके अंदर स्क्रूज रहते हैं, जो उसको जिसका सीन रहता है, आज मेरे को पता चला। तो अभी मैं निकाल के उसको वापस से फिट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना कैसा रहेगा। आई होप सो कि हो जाएगा। तो अभी जो आईना है वो पूरा ऐसा मतलब फिट हो गया है, देखो ये हिल नहीं रहा इतना जल्दी, इससे पहले ये बहुत गंदा हिल रहा था लिटरली। अगर मैं गाड़ी थोड़ा सा भी चलाऊँ और एक छोटे से खड्डे में गया तो आईना पूरा ऐसे ऊपर साइड हो जाता था, जिसे बैक साइड में क्या चल रहा है वो कुछ भी मेरे को दिखता नहीं था। बट अभी जस्ट बिकॉज मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर स्क्रूज वगैरह होते हैं, तो मैंने ये फिक्स कर दिया, बोला चलो ट्राई करते, क्योंकि मजा आता है ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जुगाड़ लगाने के लिए। एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिनसे मैं परसों मिला था, उन लोगों ने मेरे को बताया जब व्हेन आई आस्क्ड टू देम कि भाई क्या करूँ, मेरा आईना ये हो गया और उनको अभी मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको न्यू परचेस नहीं कर सकता क्योंकि महंगा मिलेगा, और प्लस वो गाड़ी की सर्विसिंग जब करानी है तभी मैं जो भी बाकी के काम पेंडिंग है जो भी राइट नाउ इम्पोर्टेंट नहीं है वो तब कराना चाहता हूँ, अभी नहीं कराना चाहता। तब उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को ये बात पता भी है कि शीशे में स्क्रूज होते हैं जिससे वो फिट होता है। मैं बोला है, मेरे को तो ये पता नहीं था, क्योंकि एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था कि ना फेविक विक लगा हो जाएगा ये वो, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था। बट दोज वो हैव आइडिया अबाउट दैट और जिनके पास था एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे को बताया, एंड थैंक्स टू देम मेरे पैसे भी बच गए। उन लोगों ने सजेस्ट किया था गैराज में जा, बट मैं गैराज में नहीं गया, मैं बोला घर पे ही देखते हैं, बट थैंक्स टू देम उनकी वजह से पैसे बच गए। और जो मैं मिरर रिप्लेस करने का देख रहा था वो मैंने रिप्लेस नहीं किया। और अगर आपका भी सीन ऐसा हो रहा है कि बाइक का जो आईना है या फिर स्कूटी का जो आईना है वो बहुत ही लूज हो गया है, तो एक बार ये चेक करो यहाँ पे कवर के नीचे जो है तीन स्क्रू है वो लूज हो गए है क्या। लूज नहीं हुआ है तो इसको एक बार निकालो, अंदर का जो भी गंज लगा होगा वो साफ करो पूरा, फिर वो स्क्रूज को प्रॉपरली ये करो। अभी देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे स्क्रूज है वो गंज चुके हैं पूरे, बट स्टिल अंदर का जो भी है वो इनसाइड बोलते ना क्लीन करने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगा और वो मजबूती आ गई उसमें, व्हाटएवर तुम कुछ भी बोलो, बट मेरा काम हो गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ वो दोस्तों का जिन्होंने मेरे को सजेशन दिया क्या करना चाहिए। एंड ऐसे दोस्त होने चाहिए आपकी लाइफ में जहाँ पे ना कुछ वो आपको सजेस्ट करे, कुछ बताए आपको, बट एट द एंड ये चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। A few moments later, बहन आई है मेरी आज, जीजू आए, बस ये उनका बेटा जो रो रहा है। सो बहन, जीजू एंड वो बाबू जा चुके उनके घर पे, जल्दी निकल गए क्योंकि वो बाबू जो था वो बहुत रोने लगा था हद से ज्यादा। एंड सिनेरियो वैसा मेरे को लग रहा था कि वो डर गया था बहुत सारी चीजों से, मे बी नींद से उठाया था इस वजह से, बट वीडियो बनाने कुछ भी मिला नहीं। प्लान था मेरा कि वीडियो बनाऊंगा आगे, क्योंकि मेरा और सिस्टर का हम लोग का वहाँ पे इनसाइड में डिस्कशन चल रहा था अबाउट दैट कि नहीं तुम बनाओ ये वो ऐसा वैसा, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। फिर कभी मिलेंगे वापस उनको तब बनाएंगे वीडियो। एंड आई सरप्राइज्ड कि वो मेरे पूरे व्लॉग देखती है, सारे जितने भी अपलोड करता हूँ, और वो पूरा ख़त्म होने तक, ऐसे नहीं कि स्टार्ट में देख के बंद कर दिया, एक कट टू कट लाइन उसको याद है यार। और मैं ये देख के बहुत सरप्राइज हो गया कि यार सच में मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी वीडियोज़ देखते हैं, वो भी इतना एंड तक, और बिलीव नहीं हो रहा था खुद के ऊपर, बट ठीक है गुड। मैं तो मतलब मेरे को अभी भी लग रहा है कि जो 100 लोग देखते हैं ना मेरे को आजकल डेली, 100 में से आधे दिन में ऐसे लोग हैं भाई जो लोग मेरे नोन वाले ही है और वही देख रहे हैं। A few moments later. So finally, जो मैंने बोला था ना कि 26 और 27 तारीख को 26 तारीख को कुछ लेंगे, तो उसके लिए अभी जा रहे हैं, रात के 9:30 बज रहे हैं और ये मैडम अभी फ्री हुई है, तो सब भी जा रहे हैं, देखते हैं कि जो चीज लेनी है वो आज ले पाएंगे कि नहीं। A few moments later. सो फाइनली जो मोबाइल लेना था जिसके लिए इतनी मगजमारी चल रही थी वो ले लिया, एंड नाउ उसकी अनबॉक्सिंग देखी होगी अभी हम लोग ने,
इतना इतना चल रहा था ना कंफ्यूजन, कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले। बट देखो मैंने क्या बोला था, लेके रहेंगे तो ले लिया। जान जा रही है किसी की, बहुत ऐसा लग रहा है दाग 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 दाग। ये महंगी चीज लेगी रहेगी इसके लिए बहुत, मेरे लिए ऐसा नॉर्मल हो गया गाड़ी होगी। मेरी सो वो अभी सेटअप कर रहा है, सेटअप होने के बाद फिर मैं घर पे निकल जाऊंगा, हम लोग घर पे जाएंगे और खाना वगैरह खा चुके तो मोस्टली एडिटिंग करके मैं डायरेक्टली सो जाऊंगा, देखते क्या प्लान रहता है। बट अभी ट्रीट बनती है किसी से, एक छोटा सा आइसक्रीम का कप खाने के लिए मिलता है। सो एक छोटी सी ट्रीट फ्रॉम माय सिस्टर आईफोन लेने के लिए, ठीक है इतने में भग रहा है। बट ये आज के लिए, बर्थडे के लिए नहीं भगेगा इतने में, बर्थडे के लिए तो कुछ करना पड़ेगा आपको। वैसे देखते बर्थडे आ रहा है 29 को, तो उससे पहले एक छोटा सा गिफ्ट, इसलिए वैसे आईफोन लिया गया है। और बहुत कंफ्यूजन चल रहा था लेने के पीछे, अब भी ले कि नहीं ले। आई सेड देख मैं अगर नहीं आता ना आज, तो मेरे को नहीं लगता कि आईफोन आज घर पे जाता, ठीक है क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं सोचते नहीं बैठा। ठीक है भाई करना है तो करो, आगे जो होगा ना वो फेस करें। एक्चुअली हम लोग घर पे भी डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, इवन मैं भी श्योर नहीं थी कि अभी लेना ही है, अभी मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा मैंने ले लिया। फाइनली कोई तो हैप्पी है एटलीस्ट लेने के बाद। अब मैं बोला ना अगर नहीं लेते ना तो बर्थडे के बाद, यार मेरे बर्थडे के लिए मैंने कुछ नहीं भी लिया, लिया। मेरे दीदी ये रिएक्शन रहता है, एटलीस्ट रोएगा नहीं इंसान। अभी वीडियोस आएंगे ना कुछ आपके एंड से, या मैं डालूंगी ना इंस्टा पे डालने वाली है रील्स। हम कहा गरीब, हम यूट्यूबर ठहरे तुम्हारे जैसे, इंस्टा पे हमारे फॉलोअर्स थोड़ी बढ़ते। Let it be, फटाफट ये फिनिश करते हैं फिर मैं घर पे निकल रहा हूँ क्योंकि लेट हो चुका है, 11:30 अप्रॉक्स हो चुका है। 12 बजे से पहले अगर घर पे नहीं पहुँचा तो वो ऐसा सीन नहीं है, बट स्टिल नींद कंप्लीट नहीं रहेगी मेरी। यस yes, और मैं निखिल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ व्लॉग में, क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं था, और उसने इतना पूछ किया लेने के लिए। तो अगर हम मैं अकेली आती थी ना शॉप में तो ऑब्वियसली मैं रिटर्न ही जाने वाली थी, वेरी ऑब्वियस था। अगर माँ के साथ आती थी या फिर बहन के साथ आती थी तो निखिल थैंक यू फॉर पुशिंग, तेरे बिना ये सक्सेस नहीं होता था एक्चुअली। पूछ मतलब मैंने कुछ पे नहीं किया भाई, पहली बोल रहा है। बट एक रहता है ना सपोर्ट, रहता है मेंटल सपोर्ट रहता है ना, वो दिया ना तूने मुझे, ले भाई ले, कॉन्फिडेंस बढ़ाया मेरा लेने के लिए। हाँ वो तो है भाई, फाइनली किसी ने क्रेडिट दिया जिंदगी में पहली बार। बट इट्स अ फन, बहुत डिस्कशन किया था, आई विश मैं वो रिकॉर्ड कर पाता डिस्कशन, बट वी आर नॉट इन दैट फेज की रिकॉर्ड वगैरह करें, बट डिस्कशन बहुत हुआ फोन लेने से पहले। और ये भी हो रहा था कि 13 ले लेते हैं, 14 लेने से अच्छा कुछ डिफरेंस ही नहीं है, जस्ट उसके बाद नहीं प्रो ही लेते हैं बेटर है, ले लेंगे थोड़ा, एक किडनी तू बेच एक किडनी मैं बेचता हूँ, बट ले लेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। आजकल ब्लॉग की एंडिंग नहीं हो पाती तो इस वजह से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, एंड आज का दिन बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, छुट्टी थी 26 जैन रिपब्लिक डे, ठीक है कुछ तो किया उस दिन, ठीक है बट मज़ा आया जैसा भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ पसंद आता तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और कमेंट करके बताना कि कुछ सजेशन्स रहेंगे तो उसमें लिख सकते हो, ठीक है बाय।